19वीं सदी बात सन 1819 की है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाघोरा नदी घाटी है। वाघोरा नदी घाटी घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां एक ब्रिटिश कैप्टन बाघ का शिकार करने निकले थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 28th मद्रास कैवलरी के कैप्टन, जिन्हें टाइगर स्मिथ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 99 टाइगर्स का शिकार किया था। आज के समय में टाइगर का शिकार करना इल्लीगल है, पर उन दिनों राजाओं, महाराजाओं और हाई रैंक्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए यह एक रॉयल स्पोर्ट्स हुआ करता था। और क्या था, टाइगर स्मिथ ने एक लोकल चरवाहे को गाइड के रूप में हायर किया और चल पड़े वाघोरा रिवर वैली के जंगलों में टाइगर का शिकार करने। यह घटना सिर्फ शिकार करने की नहीं है, बल्कि अजंता की गुफाओं की खोज की भी है। क्या आप जानते हैं इन गुफाओं की खोज किसने की थी? इन अद्भुत गुफाओं को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसे जाता है? अजंता की गुफाओं की खोज के पीछे एक बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग घटना है। यह घटना हमारे देश के आज़ादी के पहले की घटना है। दोस्तों, मैं हूं अजीत और अजीत बैकपैक के इस एपिसोड में मैं आपको ले चल रहा हूं अजंता की गुफाओं की खोज में। वाघोरा रिवर वैली से सह्याद्री माउंटेन रेंज शुरू हो जाता है और सह्याद्री माउंटेन रेंज के घने जंगलों में अनगिनत बाघों का वास था, जहां वे स्वतंत्र घूमते फिरते थे। एक बाघ का पीछा करते करते टाइगर स्मिथ और वो चरवाहा जो उनका असिस्टेंट था, दोनों एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां खड़ी चट्टानें थीं। ये चट्टानें घोड़े की नाल की आकार, जैसे कि इंग्लिश के यू अल्फ़ाबेट के शेप की थी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच से एक झरना नीचे की ओर बह रहा था और उनके लिए यह दृश्य सुंदर और अद्भुत था। कैप्टन और चरवाहे को शिकार तो मिला नहीं, पर उस कलकल करते झरने के बीच से उनकी नज़र उन गुफाओं पर पड़ी। उन्होंने बाघ ढूंढने के लिए वहां जाने का निश्चय किया। फिर क्या था, दोनों ने गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास की झाड़ियों को काटकर साफ सफाई की और अंदर प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने एक मशाल जलाया और अंदर प्रवेश किया। अंदर का वातावरण बहुत ही नम और ह्यूमिड था। इस अंधेरे में चमगादड़ इधर से उधर उड़ रहे थे। वे थोड़े डर भी गए, पर मशाल की रोशनी में जब उनकी आंखें एडजस्ट हो गई, तब जो उन्होंने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे बिल्कुल स्तब्ध रह गए थे। गुफा की दीवारों पर शानदार खुदाई की गई थी। गुफा लग रहा था मानो कोई पत्थरों का महल हो। दीवारों पर शानदार मूर्तियों की नक्काशी की हुई थी, जो बिल्कुल जीवंत लग रहे थे। पूरा दीवार ब्राइट पेंटिंग्स यानी विभिन्न तरह के भित्ति चित्रों से सुसज्जित था। इन भित्ति चित्रों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पुरुष महिलाएं और भगवान बुद्ध की चित्रकलाएं विविध रंगों में बड़े ही सुंदर ढंग से पेंटिंग किए हुए थे। इन्हें देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित और विस्मित हो गए थे। आखिर यह चित्रित गुफाएं किसी खजाने से कम तो नहीं थे। फिर क्या था, उन्होंने एक मुराल पेंटिंग पर अपना नाम भी लिख दिया, कैप्टन जॉन स्मिथ, 28th मद्रास कैवेलरी, 28th अप्रैल 1890। मद्रास वापस लौटने के बाद कैप्टन जॉन स्मिथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने उच्च अधिकारियों को इस अद्भुत खोज के बारे में जानकारी दी। उनके उच्च अधिकारियों ने इसकी जानकारी दो संस्थाओं को दिया, पहला बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी और दूसरा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। यह दोनों संस्थाएं ब्रिटिशर्स द्वारा ही स्थापित की गई थी, जो भारत के लोगों और उनके कल्चर के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखते थे, जो भारत के विविध संस्कृति का अध्ययन करना चाहते थे। इसके बाद अजंता की गुफाओं को एक्सप्लोर करने के कई अभियान चलाए गए, जिनमें सैनिकों की टुकड़ियां भी हुआ करती थी। इन गुफाओं की शानदार भित्ति चित्र, चित्रकला, मूर्तिकला और शिल्पकला का अध्ययन करने के लिए इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कई स्कॉलर्स यहाँ पहुँचने लगे और इस प्रकार 2000 वर्ष पुरानी अजंता की गुफाओं के बारे में
विश्व के लोग जानने लगे। 28th मद्रास कैवलरी के कैप्टन जॉन स्मिथ ही वो व्यक्ति थे जिन्हें अजंता की गुफाओं की खोज का श्रेय जाता है। अजंता की गुफाएं आज विश्व विख्यात धरोहर हैं। यह गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हैं। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 गुफाएं हैं जहाँ भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अनमोल मूर्तियाँ, नक्काशियाँ और ब्राइटली कलर्ड पेंटिंग्स मौजूद हैं। यह पेंटिंग लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना किया करते थे।